उस्मान इस बात पर बहुत नाराज हैं। आपके बेटे ने मेरे काफिले पर डाकुओं के साथ हमला किया, किसी गुलाम की तरह मुझे बेचने की कोशिश की। और हान सरदार ने जो किया उस सबके लिए कोई वजह होगी यकीनन। लेकिन फिक्र मत करें होलोफेरा, इसकी तलाफी हम करेंगे जो भी नुकसान हुआ। मुझे आपसे कोई सुना नहीं चाहिए मालूम खातून, मैं बस अपने कले जाना चाहती हूँ। समझती हूँ मैं होलोफेरा, लेकिन आवाज अपनी नीची रखिए। आपको बड़ों की ताजीम किसी ने नहीं सिखाई। आप जब चाहें जा सकते हैं, समझ गई आप? ऐसा ही है ना ओरहान? होलोफेरा, अभी तुम नहीं जा सकती। इससे पहले पहले आप आराम कीजिए होलोफेरा, थकी हुई लग रही हैं आप बहुत। खातून आपको आपके कमरे तक छोड़ आएंगी। कोई कैदी हूं मैं या कोई मेहमान जो अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकता है? हमारी मेहमान हो तुम। मेहमानों को महल में रखते हैं, जंदानों में नहीं। तुमने इस लड़की को वालिदा से बदतमीजी करने की इजाजत कैसे दी भाई? फातिमा, जो कहना हो कहने से पहले सोच लेना, ठीक है? और हान, वालिदा, हरगिज हरगिज होलोफेरा को भेजने का मत सोचिएगा। उसे उसके नाम से क्यों पुकार रहे हो? वो लड़की जो तुम्हें चाहती तक नहीं है भाई, बल्कि वो तो भूल चुकी है तुम्हें कब का। बहस नहीं होगी। बताएं जरा औरहान, फरीजे का क्या हुआ आपके? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मालहून खातून? आ जाइए। उस्मान सरदार ने औरहान साहब को याद किया है।